कोपरीचा बुलंद आवाज आपली निशाणी कापली तर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय असो राजेश गाडे आगे बढो हम तुम्हारे साथ राजेश गाडे आगे बढो हम तुम्हारे साथ आपली निशाणी कापली आपली निशाणी कापली सर्वांची निशाणी कापशी 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 बंधू आणि भगिनी लक्ष असू द्या भेटणाऱ्या प्रचंड बहुमताने विजय करा बंधू आणि भगिनी त्यांची निशाणी कबसी 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 बंधू आणि भगिनी लक्ष असू द्या आपले राय घरात भेटी चालले प्रचंड बहुमताने विजय करायचं आपल्या चिन्हावर लक्ष मारून सिक्का मारून आपले उमेदवार विजय करायचं आपली निशाणी कदशी 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 आपल्या शांतनामाचा विकास आपल्या सर्वांचा विकास आपल्या मागणीचा विकास आपल्या सर्वांचा विकास लक्ष असू द्या बंद लक्ष असू द्या आपले बाबाच्या मंत्रणा खाली आपल्याला उमेदवार दिलेला आहे आपल्या शांतनामाचा विकास करायचा असून राहील राहिला प्रचंड बहुमताने निवडून द्या प्रचंड आपली निशाणी शांतीनगरच्या विकासाची निशाणी परिवर्तनाची निशाणी कपशी आलीच पाहिजे आलीच पाहिजे आलीच पाहिजे परिवर्तनासाठी कपशी आलीच पाहिजे आलीच पाहिजे राजेश काळेतून आगे बढो हा तुम्हारे राजेश काळे आपल्या गटासाठी आलेले त्यांना प्रचंड भावाचा उपयोग करा नमस्कार, मैं हूं दीपक साध्वी। आज हम हैं ठाणे के शहर के वार्ड नंबर 20 के ड प्रभाग में, और जहां की देखें कि यहां पे 2016-17 का जो इलेक्शन आने वाला है इसमें बहुत सी दलें इलेक्शन में उतरी हुई हैं। जैसे ही हमारे साथ जुड़े हैं आरपीआई के कैंडिडेट राजेश जी गाड़े साहब, हम उनसे ही जानेंगे कि किस तरह से वो चुनाव में उतरे हैं और किस तरह से वो अपने दावेदारी करेंगे और किस तरह वो अपनी रणनीति को आगे ले बढ़ावा लेंगे। हम तो उनसे ही जानेंगे राजेश जी गाड़े से। नमस्कार सर, आप क्या कहना चाहेंगे और आपकी रणनीति क्या रहेगी? मैं सब जाति धर्मों को लेकर साथ चल रहा हूँ और इस आरपीआई का मेरे को अधिकृत उम्मीदवार घोषित करके मेरे को जो सम्मान मिला है उस सम्मान का मैं पूरी तरह सक्षम पालन करूँगा। यहाँ पर ये जो कोपरी प्रभाग है 20 ड में राजेश जी गाड़े जी को उम्मीदवारी दी गई है पार्टी की तरफ से, तो इस क्षेत्र में बहुत से काम प्रलंबित है। जहाँ पर आप अगर देखोगे जॉगिंग पार्क का जो यहाँ पर मसला है, उस जॉगिंग पार्क पे 2 या 3 बार निधि का दुरुपयोग करके यहाँ पर पैसे आवंटित किए गए हैं जिसकी आवश्यकता नहीं थी। सबसे बड़ी समस्या है कोपरी विभाग में मल निस्सारण की, जिसे हम सीवरेज की व्यवस्था कहते हैं, उसके लिए मूल रूप से काम होने की आवश्यकता है। तो वो यहाँ पर काम राजेश गाड़े जी के चुनाव के पश्चात ज़रूर हम पार्टी की तरफ से करेंगे। और जैसे कि आपने सवाल पूछा कि महिलाओं के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, महापालिका की तरफ से विधवाओं के लिए या फिर निराधार स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए
दिव्यांगों के लिए जो भी स्कीम है हम उसका सुचारू तरीके से हम उसका निर्वहन करेंगे, और वो स्कीम जो है महिलाओं के लिए या हमारे जो दलित भाई है उनके तरफ यह स्कीम कैसे जाएगी उसके लिए हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता तहे दिल से काम करेंगे।